सभी को नमस्कार, मैं हूं श्रीश, स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। तो भाई आज हम निकले हैं वेन्यू को लेकर, और वेन्यू के अंदर है ना जो दो तीन काम करवाने थे यार। एक तो क्या था, इसका टायर प्रेशर दिखाता हूं आपको, इसका टीपीएमएस देखो, इसके अंदर हवा 41-41 है सारे टायर के अंदर, ये जबकि 41-41 होनी नीचे रिकमेंडेड तो है ना, 33 PSI आगे रहती है, 38 PSI पीछे रहती है, पर अब इसके अंदर क्या 41 हो रही है, इससे क्या गाड़ी थोड़ी सी है ना बहुत ज्यादा ऐसे स्टिफ सी चल रही है, तो फिर यार अब स्टिफ चल रही है ना तो एक एक गड्ढा महसूस हो रहा है, फिर क्या नंबर प्लेट जब गाड़ी ली थी ना तब से डिग्गे में पड़ी है, तो सोचा है नंबर प्लेट भी लगवा ही लेते हैं। और ये देखो भाई पोलो लेने के बाद यहाँ पर ही कट मार रहा है। हाँ तो सोचा है नंबर प्लेट रखी हुई तो नंबर प्लेट भी लगवा ही लेते हैं, नंबर प्लेट के साथ साथ जो अपना ये टायर प्रेशर का काम है ये भी करवा करवोगे, पूरे एक तरीके से गाड़ी को कंप्लीट रखते हैं यार, कभी भी कहीं बाहर जाना पड़ जाए ना तो एक तरीके से नंबर प्लेट वगैरह की जरूरत रहती है। हालांकि क्या है नंबर प्लेट के बिना आप चला नहीं सकते, चालान है, वैसे तो कंपनी वाले निकाल भी नहीं सकते इसके बिना गाड़ी, तो ये सारे काम करवाने चलते हैं। सोचा आप भाइयों के साथ जो है वीडियो वगैरह शेयर करके वीडियो बनाते हैं। ये देखो भाई ये वाला था ब्लैक कलर अपनी गाड़ी का, लेकिन अपन ने वाइट लिया है। ब्लैक भी यार सुंदर लगती है, लेकिन क्या है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेरे फ्रेंड के पास है सेल्टोस, तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, इतना मेंटेनेंस करने का टाइम भी किसके पास है। अब देखो ये धूल जमी हुई है ना, तो धूल ऐसे साफ दिख जाती है इसके ऊपर, ये देखो ये साफ दिखती है धूल, ये वाली बात है। बाकी भाई एक बार लुक ले लो आप गाड़ी का, कितनी बढ़िया लगती है, और शेड्स लगवाने के बाद तो कांच एकदम जेड ब्लैक लगते हैं इसके अंदर यार। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो ग्रिल है ना, इसकी अल्कज़ार वाली जो ग्रिल है, ये अल्कज़ार से इंस्पायर्ड लगती है बहुत ज़्यादा बढ़िया। हालांकि जो टेम्प्रेरी नंबर प्लेट थी ना वो तो हटा दी, अब टेम्प्रेरी नंबर प्लेट हटाने के बाद में अभी फ्रेम लेकर आ रहे हैं, और फ्रेम लगवाएंगे फ्रेम के अंदर, और फिर जो है ना नंबर प्लेट की प्लेसिंग करवाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि यार फ्रेम के अंदर जो नंबर प्लेट लगती है ना ये इलीगल होती है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, इलीगल नहीं होती, वो बताता हूँ कौन से फ्रेम वाली होती है, और अपन जो अलग फ्रेम वाली लगाएंगे जो कंपनी से आती है। तो आपको जो लगवानी चाहिए ना वो भी इसमें लगवानी चाहिए, क्योंकि क्या है कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत टक्कर वक्कर होती है, कोई बाइक वाइक वाला बिड़ा देता है ना, तो क्या वो नंबर प्लेट मुड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ्रेम के अंदर लगाओ, जिससे कोई बाई चांस कोई बाइक वाला वगैरह हिड़ता है ना, तो वो क्या है जो INDI की नंबर प्लेट आती है ना वो टूटती नहीं है, तो इसलिए ये एक बेनिफिट इसका हो जाता है। तो भाई ये वाला जो फ्रेम होता है ना, अब ये फ्रेम के अंदर अपनी नंबर प्लेट लग गई, तो अपनी नंबर प्लेट पूरी सेफ हो चुकी है, तो ये पूरी फ्रेम के अंदर लग गई। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बोल्ट लगवाएंगे, ऐसा नहीं है बोल्ट नहीं लगवाएंगे। अब कई लोग अब क्या करते हैं कि फ्रेम को बोल्ट के अंदर लगवा देते हैं और नंबर प्लेट हटवा देते हैं ना, वो इलीगल होता है। अपने तो पूरी प्रॉपर यहाँ पर बोल्ट दिखेंगे ना, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो पूरा लीगल माना जाता है, उससे कोई चलान वगैरह का भी डर नहीं है। तो आप अगर आप लगवाओ ना तो अपनी गाड़ी में इस तरीके से लगवा सकते हो। हालांकि भाई Hyundai वाली जो जेनुइन नंबर प्लेट आती है ना, जेनुइन तो क्या ही होती है, उसको ब्रांडिंग होती है Hyundai की, उसके 500 रुपये अलग से दिए हैं अपन ने, 9.5 लाख रुपये लेके भी मन नहीं भरा भाई। खैर कोई बात नहीं यार, सबका बिजनेस है, काम खोल के बैठा है अपन, उसके अंदर कुछ बात नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है फ्रेम में अच्छी लगती है, तो फ्रेम में अपन जो है लगवा रहे हैं। और नंबर एक बार आप देख लो, नंबर यहाँ पर जो आया है ना, मतलब ऐसा कोई VIP नंबर लेने का इंटेंशन नहीं था इस पर, लेकिन फिर भी देखो 9197 नंबर आया, जो कि बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा कुछ नंबर प्लेट है लग जाती है। अभी फिर दिखाते हैं ये वाला जो फ्रेम है ना भाई, इसके अंदर क्या है कि पूरा पीछे चिपकने के लिए वो दे रखा है ग्लू, जिससे ये चिपक जाता है एक बार, और फिर उसके बाद में जो है ना ये फाइनल ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल कर रहे हैं पूरा बम्पर के ऊपर और नंबर प्लेट के ऊपर, और अब जो है पूरा ये लग जाएगी यहाँ पर आराम से बढ़िया। और ये जो बोल्ट लग रहे हैं ना, ये भी कोने कोने में लगा रहे हैं, कहीं भी ऐसे नहीं बीच के अंदर छेद कर रहे हैं गाड़ी के, एकदम कोने कोने में ऊपर की तरफ। ये देखो ये पूरी INDI नंबर प्लेट का मतलब ये होता है कि अच्छी तरह पूरी सी पिंच हो जाए पूरे बम्पर के अंदर, और आराम से एक बार आप फिनिशिंग देखो इसकी, कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ रही है, और नंबर भी कितना बढ़िया लग रहा है। एक काम से तो यहाँ पे फ्री हो गए, नंबर प्लेट लग गए जो मैंने आपको दिखा दिया, दूसरा काम है इसमें नाइट्रोजन डलवाना, तीसरा काम है इसके एक बार फ्लोरिंग का पूछ के आते हैं, अगर आज हो जाती है क्वालिटी की दिखती है ना तो आज वो फ्लोरिंग करवा लेंगे। एक्चुअली क्या है, ये पूरी सीट हट के उसके बाद में पूरी नीचे से फ्लोरिंग होगी, तो वो करवाने चलते हैं। सबसे पहले मानसरोवर, सबसे पहले ज़रूरी है सीट बेल्ट को लगाओ भाई। यार एक तो ये शेड्स जो है ना, ये रात को जितने खतरनाक होते हैं ना, उसी से भी कई ज़्यादा है ना यूज़फुल दोपहर के अंदर है, इतनी गजब की धूप हो रही है ना। आप ये देखो 36 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है अभी, और जो राहत इससे मिल रही है ना अभी भाई बता नहीं सकता, वरना जहाँ जहाँ से ये धूप आ रही है ना, देखो जैसे यहाँ से आ रही है, तो ये क्या प्लास्टिक भी आपका ख़राब कर देती है टाइम के साथ साथ, और दूसरी बात ये स्किन पे पड़ती है ना डायरेक्ट, तो यार स्किन वहाँ से जल भी जाती है, तो यार ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा यार 30% 40% टिंट की तो यार परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट से, लेकिन है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं अपन ये लगा लेंगे। ये जो है ना बहुत बढ़िया राहत देते हैं दोपहर के अंदर यार। तो भाई आपको पता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था 36 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है टायरों के अंदर हवा भर भर के 43 PSI हो गई गाड़ी की, और चलते चलते हो गई। तो यार मैंने सोचा कोई मतलब वाली बात नहीं, गाड़ी स्टिफ भी चलती है, तो थोड़ा सा क्या है इसके अंदर वो डलवा लेता हूँ, नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ। अब नाइट्रोजन डलवाने से क्या होगा कि एकदम बढ़िया से क्या होगा, गाड़ी एक तरीके से पूरा बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगी, और टायर क्या ठंडे रहेंगे,
अब टायर ठंडे रहेंगे, पूरी खाली हो रही है ना, चारों टायरों के अंदर ही डाल रहा है, पता नहीं है अलग ही नए तरीके से डाल रहा है, पता नहीं है। मैंने तो पहले डलवाई है, जहाँ पर क्या है कि पूरा खाली करवा के उसके बाद डलवाई है, लेकिन ये पूरे चारों टायरों के अंदर पता नहीं भरे हुए टायरों के अंदर डाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो अपना भाई जो है ना बोल और सुन नहीं सकता था, तो कोई बात नहीं, क्या हुआ ये उसने पूरा लगवाया और अब जो है ये मशीन के थ्रू ही हवा निकल रही है। और टायर में जब मैंने डलवाई थी ना, तो वहाँ पर क्या था कि पूरी खुद खाली करते थे हाथ से, उसका भी डलवाते थे, अब यहाँ पर क्या है मशीनों से खुद ही खाली हो रही है और अब मशीन से खुद ही डलेगी। तो ये वाली चीज़ है, ये अब मुझे समझ में आई टाइम के साथ। भाई रात दिन का फर्क आ गया गाड़ी चलाने के अंदर, मतलब मैं गाड़ी लेके आया ना और रात दिन का फर्क है। देखो मैं आपको दिखाऊं, अब जो है ना अपडेट अब हुआ है, ये 34-34 दिखा रहा है अभी, तो इसमें एक में 35 दिखा रहा है, बाकी है सब में 35 डलवाई है, अभी थोड़ी चलेगी तो अपडेट हो जाएगी। लेकिन भाई जो फील आ रहा है ना चलाने में, अब रात दिन का फर्क आ गया यार, हवा का बहुत मैटर करता है, हवा आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर जो है ना एकदम सही होना जरूरी है। तो भाई यार क्या है कि ये वाइट हैंडल के अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इनसे क्रोम हैंडल के बारे में पूछ लिया, तो क्रोम हैंडल लगवा रहे हैं अपन इसमें, और लुक आपको दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया निकल के आ रही है लुक। तो यार थोड़ा सा क्या अप मार्केट वाला एक थोड़ा सा टॉप मॉडल वाला फील आ जाएगा अपन को यहाँ पे। पहले तो भैया ये थिनर वगैरह से पूरा अच्छी तरह साफ़ कर रहे हैं, और ये जो ये रिबन वगैरह लगाते हैं ना, इसकी टेप वगैरह भी होती है, तो ये भी पूरा ये टेप का पूरा दाग वगैरह हटा रहे हैं, और फिर दिखाता हूँ आपको जब ये क्रोम लग जाएगा पूरा। इसके अंदर ही टेप आती है, जो टेप भी हटेगी तो नहीं ना ये टेप, हाँ तो इसके अंदर ये टेप आती है पूरी 3D वाली, जो पूरी अच्छी तरह चिपक जाती है, और ये गैलियो कंपनी का बता रहे हैं, इसकी पूरी गारंटी वारंटी है भैया, फेड नहीं होगा, जैसे थोड़े टाइम बाद में हो जाता है ना फेड, तो ये फेड नहीं होगा क्रोम। तो भाई लुक ले लो एक बार बिफोर और आफ्टर की, बढ़िया लग रहे हैं यार क्रोम लगने बाद, क्या थोड़ा प्रीमियमनेस और हो जाती है और एक बढ़िया लुक आ जाता है आपके पास, बढ़िया लुक हो गई। अब सौरभ भाई ने अपन को दो ऑप्शन दिए थे, एक तो इस वाले मैट का दिया था, एक इस वाले का दिया था। ये वाला भैया कितने का है? ये 3200 रुपये का है, और ये वाला ये 4500 रुपये का है। तो अपन को जो दोनों में से पसंद आया था ना वो ये वाला हो गया। और अगर आप भी लगवाने आते हो सौरभ भैया के पास, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जो है अपने घर की रेट में बेस्ट से बेस्ट अपने सब्सक्राइबर्स को ये रेट मिल जाएगी। अपन जो है ये वाला लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है ये आराम से खुल भी सकता है और बढ़िया लग रहा है, ये लगने में भी बढ़िया प्रीमियम लुक आ रही है इसके अंदर। ऑटो यूक कंपनी का है, जो क्या है पैर वगैरह भी अपन को रखना होगा ना, तो आराम से इस घास के अंदर आराम से क्या है पूरा रख देंगे, तो ये वाली बात है। तो ये वाला अपन लगवा रहे हैं, अब इसके ऊपर फिटिंग देख लेते हैं कि फिट कैसा हो रहा है। ओके, तो ये भैया का नंबर है, आप नंबर देख सकते हो और दुकान देख सकते हो, आप कभी भी आओगे तो स्पेशल डिस्काउंट अपने नाम से मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी एक बार आपको फिटिंग दिखा देता हूँ, ये फिटिंग देखो आप, ये फिटिंग अपनी निकल के आई है, ये फिटिंग अपनी निकल के आई है और बढ़िया लग रही है। एक बार क्लच भी दबा के देखो ना, तो नहीं क्लच वगैरह कहीं दिक्कत आ रही, ये देखो एकदम बढ़िया फिटिंग आ रही है। अगर अपन को इसको हटाना भी होगा ना, तो यहाँ से ही क्या हट के और आराम से निकल जाएगा, तो ये वाली बात है, बढ़िया लग रहा है, पूरी गाड़ी में लगते हुए देख लेते हैं एक बार। ओके, तो आज के जो पर्पस थे इसके अंदर, एक तो नंबर प्लेट लगवानी थी, दूसरा जो काम था इसके अंदर नाइट्रोजन डलवानी थी, तीसरा जो था यहाँ पर हमने जो है हमको क्रोम पसंद आया तो हमने क्रोम भी लगवा लिया, चौथा जो काम था उसके अंदर ये था कि ये जो मैटिंग थी ना, ये मैटिंग हमने लगवा ली, और यार बहुत ही बढ़िया मैटिंग है। अब जैसे इसको क्या है खोलनी भी होगी ना हमको, तो यहाँ से आराम से खुल के साफ़ हो सकता है, और यहाँ पर आराम से आप शूज़ वगैरह रख सकते हो। तो क्या पहले क्या था कि जो ऐसी मैटिंग आती थी ना ये पूरा ख़राब हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर ये रबड़ का देने लग गया, तो इससे भी क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। और वैसी मैटिंग आप इधर आगे की तरफ देखो, ये कंपनी फिटेड जो है ना सीट कवर, तो कंपनी फिटेड ही थे, हमने नहीं लगवाए। बाकी यहाँ पर आप एक बार पीछे से लुक देखिए, बढ़िया लुक आ रही है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया मैटिंग हो गई पूरी, यहाँ से भी जो है कवर हो चुकी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा अपना जो काम है हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के अंदर, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।